सब्सक्राइब कीजिए मर्चेंट नेवी इन्फो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो गाइस, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी इन्फो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक डे शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज के बारे में जिसका नाम तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट है। ये कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में है। तो तोलानी जो है वो टॉप 5 इंस्टीट्यूट में से एक है इंडिया में। ये एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है, फैकल्टीज भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है इस कॉलेज में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए फॉर्म जो है वो जनवरी के महीने में निकलता है, एग्ज़ाम जो है वो मई या जून के महीने में होता है। जो एग्ज़ाम एडमिशन के लिए तोलानी कंडक्ट करती है उसका नाम TMI सेट है। TMI सेट का फुल फॉर्म होता है तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप तोलानी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लोगों को TMI सेट से पहले IMU CET अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तोलानी के लिए तो आपसे IMU CET का एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो भी TMI सेट का फॉर्म भरना चाहते हैं उनका मैक्सिमम एज लिमिट 21 ईयर्स होना चाहिए और मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए। तो अगर आपकी एज 17 ईयर्स एंड 21 ईयर्स के बीच में है तो आप TMI सेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपको TMI सेट के लिए 12th स्टैंडर्ड में 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए PCM में एंड इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में। एंड जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया है बट उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो TMI सेट के लिए वो भी एलिजिबल है। अगर आप ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप TMI सेट का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आप तोलानी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं जो कि है www.tolani.edu। एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि 1 घंटे का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होंगी एंड नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस टेस्ट में। तो चलिए अब बात करते हैं कि TMI सेट के लिए स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा जिसमें नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर एंड एक पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। रजिस्टर करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा एंड पासवर्ड मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि फिर से आपको रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे आपका पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा जिसमें आपसे प्रेफरेंस, टेस्ट सेंटर, आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एंड जो भी एड्रेस है। इसके अलावा और कुछ भी डिटेल्स होगी जो इस सेक्शन में आपको भरनी होगी। इसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा एंड लास्ट में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एंड अब बात करते हैं TMI सेट के सिलेबस के बारे में। तो मेनली TMI सेट में 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड इन तीनों पोर्शन के साथ साथ आपको इंग्लिश ग्रामर, लॉजिकल रीजनिंग, वोकैबुलरी ये सब भी आपको पढ़ना होगा। एग्जाम का क्या पैटर्न है इस कॉलेज में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा एंड इसमें क्वालिफाई होने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इन सभी को क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू आपका सेम डेट में होगा जिस दिन आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया है। यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर BTEC मरीन इंजीनियरिंग, BSc नॉटिकल साइंस, DNS एंड ETU कोर्स अवेलेबल है। फीस जो है वो डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो मैंने नेट पर सर्च किया तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जैक्ट फीस नहीं हो सकता है या हो भी सकता है। तो सबसे अच्छा होगा कि आप फीस की जानकारी कॉलेज में कॉल करके ले लें। तो जो मैंने देखा है नेट पर फीस के रिलेटेड तो मैं आपको बता देता हूँ। BTEC के लिए जो टोटल फी है वो 16.20 लाख है, BSc नॉटिकल साइंस के लिए 14.11 लाख है, DNS के लिए 4.5 लाख है, ETU के लिए 3.10 लाख है। तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी कॉलेज है जो आपको स्पॉन्सरशिप भी देती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके भी सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।